तो मैं अपना नाम कैसे लिखूंगी, मिसेस विदिशा और फिर गुप्ता, ये मेरा मेन है, विदिशा इज माई मेरा मेन नेम है, ठीक है। ये जो मिसेज लगा है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, कि मेरे नाम से जो पहले लगा है प्रीफिक्स, और ये जो मेरे नाम के बाद लगा है गुप्ता, जो मेरा लास्ट नेम है, इसको अच्छा सफिक्स, ठीक है। जो मतलब सरनेम होता है ना उसको बोल दो सफिक्स, और जो पहला है वो हो गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का आई होप मीनिंग समझ में आओ, जो पहले लगा होता है प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है उसको कहते हैं सफिक्स, ठीक यस है। सर, ओके, अब यही वाली चीज ना, इसको मिटा दो क्योंकि तो अच्छा नहीं लगता ना, मैं नाम ऐसे बोल के लिखा हुआ है। चल, अब यही वाली चीज का लेना, जो IUPAC थी उन्होंने ग्रुप्स के लिए, मतलब को सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम के लिए भी ना रूल दिया। उन्होंने बोला सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स 2, फिर लिखो प्रीफिक्स 1, फिर दे दो वर्ड रूट, फिर लिखो सफिक्स 1, और लास्ट में लिखो सफिक्स 2। जिस जिस कंपाउंड में जो जो चीजें होंगी, जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में सारी चीजें हो, लेकिन किसी किसी कंपाउंड में प्रीफिक्स 1 होगा, वर्ड रूट सब में होता है, किसी में सफिक्स 1 भी सब में होता है, सफिक्स 2 किसी में होगा किसी में नहीं होगा, प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 होगा नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर ये है, पहले प्रीफिक्स 2 लिखोगे, फिर प्रीफिक्स 1 लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर सफिक्स 1 लिखोगे, फिर सफिक्स 2 लिखोगे। अब इनका मीनिंग समझते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। जैसे यहां पर आ जाएगा बच्चों मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट एंड सो ऑन, समझ गए ना। वर्ड रूट में आता है हमारे टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं वर्ड रूट। सफिक्स में आता है एन, ईन, आइन, ठीक है, कि एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, जैसे मीथेन बोलते हो, या इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है। तो सफिक्स में आता है कि हमारा सिंगल कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, कि कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कार्बन का कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एन, ईन, आइन। सफिक्स 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि अल्कोहल का ऑल आ गया, एल्डिहाइड का अल आ गया, अल, ए एल, अल, ठीक है। ऐसे ही कोई कीटोन हुआ तो उसका ओन आ गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो उसका ओएक एसिड आ गया, इथेनोएक एसिड, मिथेन, प्रोपेनोएक एसिड, मिथेनोएक एसिड, ब्यूटेनोएक एसिड। तो ये होती है सफिक्स, ठीक है। अब आते हैं प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1 में। प्रीफिक्स 2 का मतलब होता है जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो भी ब्रांचेस होती हैं, मतलब जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो, ये हमारी ब्रांचेस होती है, ये सब कुछ आ जाता है प्रीफिक्स 2 में, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारा प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 में क्या आता है, साइक्लो, बाई साइक्लो, दो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हो, स्पाइरो, ये सब कुछ आ जाता है हमारा प्रीफिक्स 1 में। तो अब से आप कोई भी नाम लिखोगे ना तो हमको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि प्रीफिक्स 2 प्रेजेंट हो या प्रीफिक्स 1 प्रेजेंट हो, वर्ड रूट और सफिक्स 1 होगा ही होगा, बाकी सारी चीजें हो भी सकती है ना भी हो, ठीक है। इस तरह करके हमारा कंपाउंड का नाम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल, इथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप्स जो, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी आ रही हूँ इस पेज पे, हाँ कॉपी करने के लिए अभी ला रही हूँ, जैसे ये वाला नाम आपने लिखा था, तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था प्रीफिक्स 2, और ये वाला वर्ड रूट, ये वाला सफिक्स 1, ये वाला था प्रीफिक्स 2,
ये वाला था वर्ड रूट और ये वाला है सफिक्स वन। ऐसे यहाँ पर देखे तो जो ऊपर लिखा है वो पूरा का पूरा था प्रीफिक्स टू, नोन हो गया वर्ड रूट और ये हो गया सफिक्स वन। सफिक्स वन समझ में आया एवरीवन? सबको समझ में आया है? ठीक है। सो अभी आप कोई भी नाम लिखोगे ना तो ये वाली चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक तो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। जो लास्ट क्लास मिस हुई हो चिंता मत करना, आज की क्लास में भी इतने सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी कि उससे एल्केन्स भी कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो साइक्लो एल्केन्स आपका फर्स्ट एग्जाम्पल इज, साइक्लो एल्केन्स के अंदर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, एक तरफ तो मैंने ऐसे कर दिया, ब्लू कार्बन, अब इन दोनों के, इन चारों के नाम प्लीज एक बारी कोशिश करो एवरीवन। यस मैम। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो सफिक्स टू होता है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। कहीं पर भी आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, इनमें से कुछ दिख गया ना तो उसको प्रायोरिटी देना। अगर वो ना दिखे तो सफिक्स वन को देखो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी मतलब किसको अहमियत पहले देनी है, किसको तवज्जो पहले देना है, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। फिर देखो कहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो, ठीक है, फिर आप प्रायोरिटी दोगे रिंग को फॉर वर्ड रूट, कि वर्ड रूट हमें कहाँ से लेना है। ठीक है, चलो जल्दी से एक बारी कोशिश कर लो बच्चों, फिर हम लोग शुरू करें। मैम डन। डन। ओके, यस मैम। पहले वाले का नाम बताओ, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और जब हमने मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिखा, ये मिथाइल है प्रीफिक्स टू, साइक्लो है प्रीफिक्स वन, प्रोप है वर्ड रूट, एन है सफिक्स वन। यहाँ सफिक्स टू है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, इसका नाम बताओ प्लीज, सेकंड वाले का, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? सो आई होप एवरीवन्स क्लियर ऑफ इट, यस है ना? मैम। ओके ओके बच्चों, यहाँ वाले भी बताना, इस वाले के अंदर क्या, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपाइल। और ये ना सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, ये मैं गलत लिख रही हूँ, इसके अंदर कोई गैप्स नहीं होते। प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। और अब इसका नाम बताओ, ये मैम आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन, वेरी गुड। देखो यहाँ पर चेन में चार कार्बन थे और यहाँ तीन कार्बन, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन आटम्स जहां मैक्सिमम हो उसको प्रायोरिटी देनी है, तो आपने ब्यूटेन लिखना है और वो साइक्लोप्रोपाइल बन गया। इसी के अंदर मैं वेरी कैसे कर सकती थी, नंबर फाइव ऐसे करके ऐसे बना देते, तो आप बोल देते 1 2 3 4, टू पे मेरिट टू टू साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन प्रोफाइल साइक्लोप्रोपाइल प्रोफाइल सॉरी प्रोफाइल। ब्यूटेन, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आया? अब मैं नेक्स्ट पेज पे लाइन से बड़े सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है।
तो फिर अब आपको सॉल्व करना है. करीना क्लियर है बेटा? तुम चुप चुप हो आज? यस मैम. गुड, चलो ओके. नेक्स्ट मैम, बट नोट करना था. अच्छा ओके. ओके, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. सो नंबर सिक्स. Please do everyone. शुरू करें बच्चों. Yes, ma'am. चलो let's start. Okay. So पहले वाले का नाम कौन बताएगा? ओके, सबसे पहले तो बताओ वर्ड रूट मेन किसको लेंगे? साइक्लोहेक्सेन की ब्रांच है कि 1 2 3 4? मैम साइक्लोहेक्सेन की है ना. तो हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं इससे 1 2 3 4. साइक्लोहेक्सेन पे ये चार की जुड़ी हुई है. यहाँ पर चार है, यहाँ छह है, तो हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन पर ब्रांच जुड़ी हुई है ना. और इसका क्या नाम हो जाएगा? 2-methyl-butyl. 1-methyl-2-methyl-butyl साइक्लोहेक्सेन. वेरी गुड. ओके, ये वाले का ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, परफेक्ट. इसके अंदर 1-bromo-2-chloro-cyclohexane. ओके, सो एक बात बताओ, आपने ब्रोमो को 1 और क्लोरो को 2 क्यों दिया? इंस्टेड इसको 1 और इसको 2 क्यों नहीं दिया? क्यों ये वाला गलत है? बी पहले आता है मैम, प्रायोरिटी ग्रुप. ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यस, 1-bromo-2-chloro-cyclohexane. अच्छा, इस वाले का क्या नाम होगा? इसके अंदर क्या हो रहा है ऐसे करके समझना. इस वाले में लेट्स से अगर हाँ, मुझे समझ में नहीं आया. एर्थ वाला कौन सा वाला? मैम फर्स्ट सिक्स्थ वाला. अच्छा ओके, सो सिक्स्थ वाले में क्या हो रहा है बेटा? देखो रिंग में 6 कार्बन है और चेन में कितने? 4 कार्बन. लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन तो रिंग का पार्ट है. तो इसके बाद से काउंट करेंगे तो 1 2 3
चार, तो चेन में हमारे चार कार्बन है और हमने ये प्रायोरिटी बोल रखी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहां ज्यादा हो उसको वर्ड रूट बनाओ, उसको आपको मेन लेना है। जो इधर ऐसा ये वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चार ही कार्बन है तो इसको आप प्रीफिक्स ले लोगे, ये प्रीफिक्स हो गए ना, ये इसकी ब्रांच हो गई, साइक्लोहेक्सेन आपको लिखना है। करीना यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, अब ये हमारा है, ये वाले कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये तो रिंग का ही पार्ट है तो उससे आगे चलते हैं। इसको दिया वन, इससे फर्स्ट ब्रांच का जो कार्बन है, वन टू थ्री फोर, टोटल चार कार्बन हो गए। टू पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन का, तो टू पर मिथाइल, टोटल है ब्यूटाइल, और ये इसका फर्स्ट कार्बन मान लो, तो इसके फर्स्ट कार्बन को हमने ऐसे करके लिखा है, इसके फर्स्ट से टू पर मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? आगे बेटा रिपीट करो, कोई चीज जो समझ में ना आई हो दोबारा से समझाओ। यस मैम, आ गया समझ में। ये वाला ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इधर ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों है, ब्रोमीन का बी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है, तो फिर वन ब्रोमो टू क्लोरो, ये वाला गलत है, ये वाला नंबरिंग सही है, है ना? तो वन ब्रोमो टू क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पर ये CH2Br है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कैसे होगा। इसको ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये CH2 ना होकर CH3 है, अगर CH3 होता तो आप बोलते मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब ये मिथाइल तो नहीं है, अब इसको वापस ठीक करते हैं, मिथाइल की जगह उन्होंने CH2Br कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको बोल देते हैं ब्रोमोमिथाइल, ठीक है ना? तो फिर इसका नाम हो गया ब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, ब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। चलो अब इस वाले में आ जाओ, 10th वाले में ऐसे ही करना होगा जैसे वो वाला किया था। ये साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, क्लियरली ये हमारा वर्ड रूट वाला रहेगा, मेन वाला रहेगा, इसकी यहाँ वाले कार्बन में ब्रांच है तो इसकी फर्स्ट वाले पे बोल दिया। अब अगेन अगर ये नहीं होता तो आप बोलते मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है इस तरह, तो आप बोल दोगे वन पे साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल। यस मैम, है ना? मैंने एग्जैक्टली सेम रखा, बीआर की जगह साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया, तो आपने बोल दिया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल और फिर साइक्लो हेक्सेन। करीना 10th वाला क्लियर है बच्चे? यस मैम। गुड, ओके। अब 11th वाले में बताओ, इसमें मुझे नंबरिंग में कंफ्यूजन है, नंबरिंग कैसे करोगे? ये मिथाइल है, दो मिथाइल लगे हुए यहाँ पर, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है ना, केकड़ा जैसा कुछ बना दिया मैंने। अब इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर देखो बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, 1 2 3, अगर मैं इससे करती हूँ ग्रीन से, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग होगी 1 पे आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा और 5 पर आएगा दो बारी, ठीक है ना? बस नंबरिंग का वो लिख लो। लेकिन नंबरिंग अगर मैं रेड वाली करूँ, यहां से कर 1 और फिर 2 3 4 5, तो होएगी 1 पे 2, फिर 1 3 पे, फिर 1 4 पे और फिर 5 पे। सो यहाँ पर आ जाएगा लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब छोटा नंबर देना है हमें, पहले तो दोनों का 1 1 ही आ रहा है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो फिर नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। इसका नाम हो जाएगा जो रेड वाले से, 1 1 पे डाइमिथाइल है और 3 4 5 पर इथाइल है,
तो हमारा ना इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है ना, तो उसको हमारा नाम हो जाएगा, इसको नाम को शिफ्ट कर देते हैं, सो 3, 4, 5 ट्राइथाइल 1.1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1.1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वेरी गुड, ठीक है 3, 4, 5 जब हम लिखते ना इथाइल का ई और मिथाइल का एम, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं बच्चों कि ई पहले आता है एम बाद में आता है, ये ट्राई का टी और डाई का डी नहीं देखना, अब इथाइल का ई और मिथाइल का एम देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हेंस आप बोल दोगे कि इथाइल वाला पहले लिखना और मिथाइल वाला बाद। चलो अब इसका बताओ मुझे 12th वाले का मैम, 1-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 
सिक्स वाला किया ना आपने? हाँ तो मैम इसमें ब्यूटाइल पहले आना चाहिए था शायद। नहीं लेकिन मिथाइल ब्रांच पहले बताओगे और फिर मेन चेन बताओगे? अच्छा जी, क्योंकि मिथाइल और मेन चेन ब्यूटाइल। ओके अभी 12th वाले पे आ जाते हैं। सो 12th वाले के लिए थोड़ा सा ना थर्ड वाले को हटा देते हैं, ज्यादा कम पड़ रही है। तो नाउ आई हैव स्पेस और अब इसका नाम हो जाएगा, इसके फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो वन पे ब्रोमो क्योंकि बी पहले आता है, फिर वन पे क्लोरो, बी के बाद सी आता है, फिर वन पे फ्लोरो मिथाइल क्योंकि एक कार्बन है तो उसको मत भूलना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पेज पे चला जाए। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसका ये मिथाइल छूट गया, 13 और 14 करो और मैं 15 पर यहाँ पर दे रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रही हूँ। चलो करो एवरीवन। अच्छा मैं स्टार्ट कर रही हूँ एवरीवन। 14th वाले का नाम कौन बताएगा? मैम 4-ethyl-1,1-dimethylcyclohexane। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर द कंफ्यूजन, सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिया है। सो कंफ्यूजन ये आ सकता है कि हम अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं जो रेड से लिखी है तो कंपाउंड बन रहा है 4 पर इथाइल, फिर 1,1-dimethylcyclohexane, ठीक है। और अगर मैं नंबरिंग ब्लू वाली करूं तो 1, 2, 3 और 4 ब्लू वाली नंबरिंग करूं तो बनेगा 1 पर इथाइल, 4,4-dimethylcyclohexane। इन दोनों में से कौन सी वाली करेक्ट है, कौन सी वाली इनकरेक्ट है एंड क्यों? मैम फर्स्ट वाली करेक्ट है, लीस्ट नंबर वाली इनकरेक्ट है। वेरी गुड, और रीजन बता बच्चा। मैम लीस्ट नंबर रूल। वेरी गुड। सो जब भी हमने ये वाला लिखा ना बच्चों तो नंबर्स आ रहे हैं 1, 1 और 4 और इसमें नंबर आ रहे हैं 1, 4, 4 और हमको हमेशा क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन तो देखनी होती है, ठीक है, उसके बाद होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल की छोटा नंबर है। 1, 1 तो इधर सेम है, इधर 1 है लेकिन इधर 4 है, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ओके 14 के बाद यही लॉजिक अप्लाई करते हुए 15th करना,
14th में आप मिस्टेक में ये सोच सकते थे कि मैम इथाइल का ई पहले आता है, ये वाला तो इथाइल है तो ई पहले आता है, ये वाले मिथाइल है तो एम बाद में आते हैं। तो एक बार ही आपके मन में ये वाला शक आ सकता था कि मैम इथाइल को छोटा नंबर देंगे, मिथाइल को बड़ा नंबर देंगे। नहीं, सबसे पहले तो अप्लाई करो लोवेस्ट लोकन रूल कि छोटा नंबर आना चाहिए, मतलब छोटे छोटे नंबर ऐसे करके जिन पर प्रीफिक्स आना चाहिए, ये आईयूपीएसी ने बोला। उसके बाद अगर दोनों तरफ से नंबर सेम मिल रहा है तब आप अल्फाबेटिकल लगाओ, ठीक है, और लिखते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। जैसे इस वाले में देखना बच्चों, अगर सॉरी 15th कर रहे थे ना पहले, कौन सा करोगे, 14th करोगे पहले 15th करोगे? मैम 13th करोगे पहले, ओके। सो 13th के अंदर एक तरीका तो है नंबरिंग का ब्लू वाला और दूसरा तरीका है नंबरिंग का रेड वाला। 1, 2, 3, 4, 5 बताओ कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है, ब्लू वाली की रेड वाली? ब्लू। दोनों में देखो ब्लू वाली में आ रहा है 2.4 और रेड वाली में भी 2.4। तो जब दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा हो, लेफ्ट टू राइट भी 2.4 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट भी 2.4 आ रहा है, तब उस केस में बच्चों आप अल्फाबेटिकली वाला दे दो। मतलब क्लोरो छोटा होता है सी और मिथाइल का एम बड़ा होता है, तो आप नाम लिखोगे 2-chloro-4-methyl-pentane। वेरी गुड, 2-chloro-4-methyl-pentane। तो आपने अल्फाबेटिकली तब नंबर दिया जब दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ से नंबर अलग अलग आ रहा हो तो छोटा नंबर सोचो, लोवेस्ट लोकन टूल की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके बाद अल्फाबेटिकल, ठीक है। अब 15th वाला कोशिश करो। मैं सब करती हूँ ना, जगह कम है, मैं 15th वाले को नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। यहाँ पर मैम 1-bromo-4-chloro-5-iodo-cyclohexane। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक सेकंड दो मुझे, इसके मैं 2-3 कॉपीज बना दूँ। ओके, सो ये बता दें, ठीक है। 1-bromo-4-chloro-3-iodo-cyclohexane। एक तरीका तो ये है, ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी मुझे बताओ रेड वाला करेक्ट है कि ग्रीन वाला करेक्ट है? इसमें नंबर्स आ रहे हैं 1, 3 और 4। 1 पर है, 3 पर है, 4 पर है, और इसमें नंबर आ रहे हैं 1, 2 और 4। अब बताओ कौन सा वाला करेक्ट है? सेकंड वाला, क्योंकि देखो ना 1-1 तो सेम है लेकिन इधर 3 है इधर 2 है ना। यस मैम। तो फिर हमारा हो गया। अब देखो, अब जब लिखोगे ना तो लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि 4 पर ब्रोमो क्योंकि बी पहले आता है, फिर 1 पर क्लोरो, 2 पर आइडो साइक्लोहेक्सेन। नोट दिस डाउन क्विकली। चले बच्चों आगे बढ़े, ये सबको हो गया। करीना कोई डाउट तो नहीं बेटा? मुस्कान, सिया, अंजलि, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स हो गए अपने कंप्लीट, साइक्लो एल्केन्स हो गए अपने कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ नॉमेनक्लेचर एल्काइन्स, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइन्स, इन सब का नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं,
ठीक है ओके। सो आपको रूल्स इसके अंदर सेम ही हैं, मतलब आपका ओ तो जो अपने रूल्स हैं, रूल सेम ही है। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है आपको, और इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं, सेवन की चेन बन रही है, नहीं सेवन भी नहीं करते हैं, सेवन छोटी छोटी कर देते हैं, फाइव की चेन बन रही है और मैंने सिक्स की चेन बना देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है ये सही है, मैंने ये डबल बॉन्ड ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो पांच की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और वन टू थ्री, इसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड करने में चार की चेन बन रही है, वन टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर, तो कौन सा वाला नाम होगा? इसको मैं दो बार लिखती हूँ, ओके बच्चों ये है अपना। एक तरीका तो ये है वन, ओहो वन टू थ्री, और दूसरा है वन टू थ्री फोर फाइव, और एक और बना देते हैं होते हैं इसमें। ओके सो इनमें से मुझे बताओ बच्चों कौन सा वाला फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इवन दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है लेकिन हमको वो चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट। और फर्स्ट का नाम बता दो प्लीज, वन टू टू पर इथाइल ब्यूट वन ई, ठीक है ये जो टू इथाइल है के प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स टू ब्यूट बर्ड रूट और ये सफिक्स वन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलो सो पहला अपना रूल यही है कि चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएं लेकिन डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए आपके वर्ड रूट में, ठीक है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिथाइल नाइट्रो ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं, और प्रीफिक्सेस जो मैंने रूल यहाँ पर लिखा था बच्चों ये वाला, दिस प्रायोरिटी ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके बाद आप लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है उसके बाद आप लोग प्रीफिक्स टू को प्रायोरिटी दोगे, मतलब प्रीफिक्स टू लास्ट में आना है, पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखना है। जैसे लेट मी राइट दिस डाउन, आपका क्वेश्चन है ठीक है, ऐसे करके हमने बना दिया, इधर मैंने वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर टू पर डबल बॉन्ड है और इधर टू पर मिथाइल है, इधर टू पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ऐसे करके चले राइट टू लेफ्ट और यहाँ से लेफ्ट टू राइट चले तो टू पर मिथाइल आ रहा है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, वन टू फोर फाइव, नंबरिंग आप ऐसे करके चलोगे, रीजन बीइंग आपको डबल बॉन्ड जो ये है ना सफिक्स वन इसको छोटा नंबर देना है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मैम फोर मिथाइल पेंट टू इन, फोर मिथाइल पेंट टू, वेरी गुड। नेक्स्ट
से? यहाँ पे मैं ये हटा देती हूँ, प्रीफिक्स टू के बेसिकली वो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता ही नहीं है एक्चुअली, तो हमने सच कहूँ तो ये वो तो बस सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल ब्रोमो इथाइल क्लोरो नाइट्रो फ्लोरो आइडो, ये सारे तो मतलब प्रीफिक्सेस ही है, इनको तो बस ऐसे ही नंबरिंग देनी है बस, इनकी मतलब इतनी कोई वक्त नहीं होती कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले। सेकंड वाले का नाम बताओ। मैम पेंट 1.5 डाइन। हाँ 1 2 3 4 5, देखो 1 पर डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1.4 डाई। ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है और 4 पे शुरू हो रहा है, बट इसमें एक मिस्टेक कर रखी है मैंने, मिस्टेक ये कर रखी है, 2 डबल बॉन्ड है तो पेंट की जगह आप कर दोगे पेंटा, पेंटा 1.4 डाई। ठीक है, अंडरस्टूड? जब भी हमारे पास ऐसा लिख लो मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होता है ना जब, मैम हाँ व्हेन मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो देन ए ऐड कर देना है, पेंटा ब्यूटा प्रोपा डाई ऐसा करके, प्रोपा हाँ हो भी सकता है ना, नहीं हो सकता प्रोपा तो खैर है ना, पर हाँ पेंटा हेक्सा डाई ऐसे करके ए ऐड कर देना। अच्छा अब इसमें देखना जो थर्ड वाला है बच्चों, सेकंड वाला हो गया ना, भावना दिव्यांशु करीना मुस्कान सिया अनिकेत सबका हो गया सेकंड तक, ठीक है ना? ओके यस मैम। चल अब हम थर्ड पर आ रहे हैं, थर्ड में क्या हो रहा है, द समस्या इज अगर हम लेफ्ट टू राइट चले 1 2 3 4 5 तब भी 1 और 4 पर आ रहा है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट चले 1 2 3 4 5 तब भी 1 और 4 ही आ रहा है, हर केस में 1.4 ही आ रहा है, देन ओनली देन हम लोग बोलते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, वैसे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बराबर प्रायोरिटी है, उनके अंदर हम लोग कोई रूल ही लगाते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, वैसे दोनों की प्रायोरिटी बराबर है एकदम बराबर, लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी दिया है कि दोनों को सेम नंबर ही मिल रहा हो तो आप क्या करोगे, तो उस केस में ही आप डबल बॉन्ड को ज्यादा बड़ा नंबर दोगे ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर, मतलब सॉरी मतलब हायर प्रायोरिटी, नंबर नहीं बोलना चाहिए, हायर प्रायोरिटी विल बी ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा नंबर जब कभी वो सेम नंबर पर आ रहे हो, ओनली देन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाले केस में डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये वाला ना गलत हो गया, रेड वाला इसको हम मिटा देते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंट 1 in 4 in। 1 पे इन 4 पे आइन। अब इस केस में जब कभी भी ए ई आई ओ यू, अपने वॉवल्स है ना AEIOU और Y, AEIOU, जब कभी भी AEIOU और Y कॉन्जिक्यूटिव लगातार इकट्ठे एक साथ आ रहे हो, ई के बाद वाई ही आ रहा है, लगातार वॉवल आ रहे हैं, तो आप क्या करो पहले वाले को काट दो, तो इसका नाम हो जाता है पेंट 1 पे इन 4 पर आइन। नोट इट डाउन प्लीज। डन मैम। डन, चलो हम आगे कर रहे बढ़ते, हैं कर रहे हो ये बोला कि डन बोला, सॉरी मैम, नोट कर रहे हैं। हाँ कर ले बच्चा कर ले।
डन मैम. ओके नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड. अब देखना हमने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस केस में क्या करती हूँ मैं, इधर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे डबल बॉन्ड. अब इसका नाम बताओ मुझे कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे. ओके चलो बच्चों कोशिश करो. मैम हैव टू फोर इन टू आइन. वेरी गुड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस केस में ना राइट से लेफ्ट में चलने में 2 और 4 आ रहा है नंबर, राइट से लेफ्ट चलने में. लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 3 और 5 आता. छोटा नंबर देखो 2, 4 छोटा है तो रेड वाला करेक्ट है, ग्रीन वाला इनकरेक्ट है. तो रेड वाले की वजह से नाम हो जाएगा हेप्ट. अब लिखते ना हम लोग जनरली कैसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई रूल नहीं है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ. 4 पर है इन, 2 पर है आइन, तो ये वाला ई काट दिया. हेप्ट 4 इन 1 आइन, 4 पे है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चलो अब फिफ्थ वाला करो. फिफ्थ वाला डिस्कस करें. यू वांट 2 मिनट्स. एंड स्टार्टिंग द फिफ्थ वाला, तो देखो बच्चों इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इतने सारे डबल बॉन्ड है. कोशिश हम लोग यही कर सकते हैं कि एक बारी में कम से कम 2 डबल बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाए, कम से कम 2 डबल बॉन्ड्स इंक्लूड, क्योंकि तीनों तो एक बारी में इंक्लूड हो ही नहीं सकते हैं. एक डबल बॉन्ड को तो प्रीफिक्स बनना ही पड़ेगा, तो 2 डबल बॉन्ड अपने इंक्लूड हो जाए पहली बार. ठीक है. दूसरा ये कि अब मैंने आपको एक नया तरह का प्रीफिक्स दे दिया जिसका नाम मैंने नहीं समझाया. देखो ये नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रहा है. ऊपर चलूंगी तो 5 और 6, और राइट में चलूंगी तो 5, 6, 7. तो क्लियरली यही वाला अच्छा है, ऊपर वाला डबल बॉन्ड ही बच रहा है, उसको कुछ नाम देते हैं. अब अगर लेट्स से ये नहीं होता, मान लेते हैं अभी के लिए ये नहीं है, तो आप नाम बोलते 7 है ना, तो हेप्टा 1, 6 डाइन है ना बच्चा, इतना आप बोलते 1, 6 डाइन है ना, सही है ना. तो लेकिन हमने तो आपको ये नहीं दिया, मैंने आपको दिया ये वाला, करेक्ट. अच्छा तो 4 पर इस तरह करके बना हुआ था. अब देखो लेट्स से कि अगर सिर्फ इतना होता तो आपको पता था, तो आप बोलते मैम 4 पे इथाइल, काम खत्म, 4 पे इथाइल हेप्टा 1,6 डाइन है ना, 4 पे इथाइल लगा देते. क्योंकि ये जो बना है ये किससे बना है, C2H6 में बना है. C2H6 की जगह आपने C2H5 कर दिया, एक हाइड्रोजन हटाया और उस हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर जोड़ दिया,
है ना। लेकिन अब हमने दे रखा है ये क्या होता है, C2H4 होता है, ये होता है बच्चों C2H4। और आप एक हाइड्रोजन यहां से हटाओगे तो C2H3 करके लगा रखा है, तो जो C2H4 था इथीन से बना है ना ये, तो उसको बोलते हैं इथीन। और अगर आपने C2H3 कर दिया मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन जाता है इथिनाइल, जैसे इथाइल होता है ऐसे इथिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 4-pentethylhepta-16-diene। क्या ये समझ में आया, इथिनाइल। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, समझना ध्यान से। हाँ एक सेकंड बच्चा, मैं बस समझा ही रही थी, हाँ फिर नोट करना ठीक है। यहाँ यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक ऐसे कर दिया और ऑलराइट। इस केस में आपका नाम होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 पे इथीन से बनाइए तो इथिनाइल हेप्टा 16-diene। और इस केस में बना है इथाइन से तो आप बोलते 4-ethynyl, 4-ethynyl हेप्टा 1,6-diene। समझ में आया, इथाइल होता है तो मैं यहां पर ना ये ऐसे करके लिख देती हूँ, अगर ब्रांच ऐसे करके हो तो वो होती है इथाइल, ब्रांच ऐसे करके हो डबल बॉन्ड वाली हो तो वो होती है इथिनाइल, एंड ब्रांच ऐसे करके हो तो वो होती है इथाइनाइल ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, इनका ये वाली ब्रांच को बोल देंगे CH2CH3, इस वाली ब्रांच को बोल देंगे, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हो और इस वाली ब्रांच को बोल देंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे करके ब्रांच ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर सॉल्व करते हैं इथिनाइल इथाइनाइल। ऑलराइट प्रीवियस पेज पे आ जाओ बच्चों, इथिनाइल इथाइनाइल ठीक है। अब मैं प्रीवियस पेज पे आ रही बच्चों, वो वाला नोट डाउन कर लो यहाँ पर ओके। इस वाला एक बार सिक्स वाला खुद से सोच लो, फिर मैं सिक्स वाला समझाती हूँ। ये तो समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट चेन ली फोर्थ पर इथीन वाला है CH डबल बॉन्ड CH2 वाला, तो आपने इथिनाइल कर दिया। अब इस केस में सिक्स्थ वाले केस में क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ही लिया क्योंकि 3 से अगर मैं 4 यहाँ पर लेती तो फिर वो 4 की चेन बनती ना, डबल बॉन्ड को तो भैया ये वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो हेंस ये वाला तो नहीं लेंगे। अब 3 पर मिथाइल ग्रुप था, अगर ये ऐसे होता ठीक है, ऐसे होता तो आप बोल देते 3 पर मिथाइल और फिर 5 की चेन है तो फिर पेंटा 1,4-diene, 3 पर मिथाइल पेंटा 1,4-diene। लेकिन मैंने तो ये दे दिया तो इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन, इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन, इसकी स्पेलिंग होती है ये पर मिथाइलिडीन, पेंटा 1,4-diene ठीक है। अगर आपके पास
डबल बॉन्ड सी एच टू वाला लगाओ, डबल बॉन्ड सी एच टू वाला, हाँ उसको लगा दो, डायरेक्टली डबली बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। अगर डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसे करके हुआ तो उसको बोलते हैं इथाइलिडीन। अभी एग्जाम्पल समझाती, बस ये लिख लो, डबल बॉन्ड सी एच टू है तो मिथाइलिडीन, डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन डबल बॉन्ड से हो रहा है। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन हो रहा है तो उसको बोला इथिनाइल या इथाइनाइल, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्शन है, ये वाला सिंगल बॉन्ड को देखो, पहले सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो इथिनाइल इथाइनाइल। अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्शन है तो एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन, दो कार्बन है तो इथाइलिडीन। ठीक है, मिथाइलिडीन का लिखो, फिर मैं इथाइलिडीन का दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ मैं, ये वाला सबने बच्चों नोट डाउन कर लिया? करीना डन? मैम ओके चलो नेक्स्ट। सो अगर हमारे पास कंपाउंड होता, नंबर लिख रखी है सिक्स, एट, लॉन्गेस्ट बन जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है लॉन्गेस्ट तो बन गई। इधर डबल बॉन्ड ले लो, इधर ट्रिपल बॉन्ड ले लो, और बीच में कर लेते हैं, एक तरफ है ये, एक तरफ है ये वाला, और इसके अंदर हमने ऐसे कर दिए दो कार्बन कर दिए। अब मुझे बताओ प्लीज, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट ही करनी होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा नंबर देंगे। ठीक है, अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। 1 2 4 5 6 7 9, ठीक है ऐसे करके देंगे सबसे पहले तो। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 5 पर है डबल बॉन्डेड से, तो फिर हम बोल देंगे 5 पर मिथाइलिडीन और नॉन 1 पे ई, 8 पर आइन और ई कट गया, ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा 5 पे इथाइलिडीन, और फिर 9 कार्बन की है तो नॉन 1 पर ई, 8 पर आइन। ठीक है, प्लीज देखो एक बारी समझ में आया क्या बच्चों, आगे बढ़ा जाए। डन 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 मैम। चलो थैंक यू बच्चों, हमारे पास ना 12 मिनट्स बचे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे तो मैं साइक्लो एल्कीन्स भी आज करवा पाऊँ, है ना। एक इसका अभी टफ वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ध्यान से देखना। सो अपना कंपाउंड इज यहाँ से चला, सिंगल लाइन की है, ये अपना कंपाउंड है, नंबरिंग करो और इसका नाम बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ रहा था प्रीवियस इयर्स में, 3-4 साल पहले आ रखा है ये प्रश्न। इसको कॉपी कर देते हैं, दो बार ही बना देते हैं। ठीक है,
नंबरिंग करते, एक तरीका तो नंबरिंग करने का है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 ही है तो नीचे आ जाओ 6, यहाँ 7 8 है लेकिन यहाँ 7 8 9, 9 की चेन बनती है। और दूसरा तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके चेन बन रही है। अब बताओ जब भी हम ऊपर वाला करते हैं तो नंबर्स आते हैं 2 पर, उसके बाद आता है 5 पर, फिर 6 पर, और फिर नंबर आते हैं 8 पर। और जब भी ऐसे करके चलते हैं 1 पर 4 5 7, कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है, कौन सी वाली इनकरेक्ट है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटा नंबर जहां आ रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पर छोटा नंबर आ रहा है वो वाला लोगे तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है, अब छोटा सा जो है ना अपनी कॉपी में लिख लेना ऐसे करके, जब इसका करते हैं 4 पर क्या ग्रुप है, इथाइल है, 5 पर क्या है, इथाइल नाइल है, यहाँ पर तो एल्कीन वाले ही हैं ग्रुप्स, तो ये बन गया इथाइन। अच्छा अब इसके अंदर ये इथाइनाइल है, ये इथाइल है, तो पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ई ई सेम है, टी एच टी एच सेम है, वाई वाई सेम है, अब यहाँ पर एन है, यहाँ पर एल है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी कम, तो क्योंकि इथाइल का एल पहले आता है ना, एल एम एन ओ, तो एन बाद में आता है, तो फिर 4 पर इथाइल, 5 पर इथाइनाइल, टोटल 9 की चेन है, नॉन नॉन के बाद हो गया 1.7, नॉना हो जाएगा है ना, डाइईन। नोट दिस डाउन, ठीक है, डन डन, ओके, मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ बच्चों। अब हमारे ये वाले कंपाउंड्स, ठीक है, सिक्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्स वाला, बच्चों जल्दी से करो ये वाले, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों शुरू करें, बताओ प्लीज पहले वाले का नाम। साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, वेरी गुड। इस वाले का क्या नाम होगा? इसके अंदर ना यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये पेरेंट मेन चेन हो जाएगी बर्ड रूट वाली, तो किसका अनम्यूट है बताओ, कौन आंसर कर रहा है? दिव्यांशु आंसर करेगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल 1 2, और 1 पर जो है हमारा साइक्लोप्रोपाइल है, तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल इथीन,
इस केस में हमने क्या किया ना, ये एथीन हमारा वर्ड रूट बन जाएगा, मेन पेरेंट चेन बन जाएगा, और इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाता है, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। हमने देखो बच्चों पिछले पेज पे लिखा था ना, याद करना यहाँ पर कहाँ गया। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको हमें मेन वर्ड रूट बनाना है, इसको वर्ड रूट बनाना है, तो ये हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। तो साइक्लोप्रोपाइल हमारा प्रीफिक्स है, और इथीन इसका नाम बताओ प्लीज। साइक्लो ब्यूट 1.2 डाइन 1.2। देखो अब ये वाली जो मिस्टेक यहाँ पर मुझे पता था वही वाली मिस्टेक करिए, 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे बच्चों। जब भी आप 1 2 जैसे आपका मन आपने सोचा कि ऐसा करते हैं मैम, ऐसे ना लिख कर हम ना ऐसे लिखते थे नंबरिंग, है ना, आपने सोचा मैम 1 2 3 4 ऐसे छोटा नंबर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? 1 से जब भी 2 पे चलोगे तो डबल बॉन्ड उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये 1 तो ये 2, 1 से 2 में चलो तो उसमें डबल बॉन्ड हमारा इंक्लूड हो जाए, मतलब उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, फिर 3 फिर 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, जो नेक्स्ट नंबर हो उन दोनों नंबरों के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन ऐसे, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर बच्चों 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे हम। मन क्या कर रहा था करने का? मन कर रहा था कि ऐसा करते हैं मैम हम लोग कर लेते हैं, इधर 1 इधर 2, तो 2 पे ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइन, देखो छोटे छोटे नंबर मिल गए, बट नहीं वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 तो 1 से 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर 3 पे ब्रोमो है, तो 3 पर ब्रोमो और फिर अच्छा यहाँ पे तो हाइफन की जरूरत नहीं हूँ, साइक्लो ब्यूट 1-ईन, ठीक है। अच्छा ये वाले के अंदर फिफ्थ वाले में बताओ बच्चों, फिफ्थ वाले में ओके मैं बोलूं डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और हमको क्या पता है ब्रोमीन क्लोरीन तो प्रीफिक्स ही होते हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होती है, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। अगर मैं करती 1 इसको तो मुझे 2 इसको करना पड़ता, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो उस केस में ना इनको 5 और 6 मिल रहा होता, तो इसलिए वो वाली चीज गलत हो जाती, 5 और 6 मिल रहा होता है ब्रोमीन क्लोरीन को, तो फिर हमको चाह रहे हैं कि 5 और 6 ना मिले। तो अभी जो मैंने बिना सर्कल वाली नंबरिंग करी है ना, वो नंबरिंग की वजह से हमको 1 3 और 4 मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 3 पर ब्रोमो पे 4 प्लस 4 पे क्लोरो हाइफन साइक्लोहेक्स 1-ईन। क्या ये समझ में आया? एकदम से सब शांत क्यों हो गए? अंजलि, भावना, दिव्यांशु, करीना, मुस्कान, सिया, क्लियर ना बच्चों? वेरी गुड। सिक्स वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सेवेंथ वाला तो लिख देते हैं, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो इसका नाम तो क्लियर है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना, 1 साइक्लोप्रोपाइल, इसको 1 2 3 को नाम दे दो। इसके 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है, 1 हाइफन साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। सेवेंथ वाला तो क्लियर है ना बच्चों, उसमें तो कोई डाउट नहीं? नो मैम। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, कांगे आरो है ना, सिक्स्थ वाले को नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, किसके अंदर ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ओके
सो कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ओके बच्चों, लेट्स डू नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे करनी है देखो, कौन बताएगा? चलो दोनों तरीके से नंबरिंग करते हैं। देखो ये तो हमको पता है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। एक तरीका ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तरीका तो ये है कि मैंने इस वाले को वन नंबर दिया, और दूसरा तरीका ये है 1, 2, 3, ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर्स आ रहे हैं 1, 1 पर डबल बॉन्ड आएगा, 1 पर क्लोरीन आएगा और 6 आएगा। 1, 1, 6 नंबर्स आ रहे हैं। 1 पे डबल बॉन्ड आएगा 1, ठीक है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे क्लोरीन है और 6 पे ब्रोमो है, 1, 1, 6। और जब भी ऐसे करके नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे क्लोरो है और 3 पर ब्रोमो है। देखो यहाँ 1, 1, 6 है और यहाँ 1, 2, 3 है। देखो पहला 1 और पहला 1 तो सेम है, इस पर 1 है, इस पर 2 है, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। बस बेटा खत्म कर रही हूँ। हाँ, 6 पर ब्रोमो, फिर 1 पे क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है, साइक्लोहेक्स, 1 पे ईन, ये वाला, क्योंकि यहाँ 1, 1, 6 नंबर आ रहा है। जब भी ऐसे करके चल रहे थे ना, तो 1, 2, 3 तो छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, तो 1 और 1 तो सही है, लेकिन यहाँ वाले में 1 आ रहा है, यहाँ वाले पे 2 आ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि छोटा नंबर आना चाहिए, इसका 1 और इसका 2, ठीक है। एवरीवन समझ में आया व्हाई दिस इज करेक्ट एंड दिस इज वाला इनकरेक्ट? यस मैम।